हाँ तो चार चैंपियन थे कि अभी महिला शक्ति के लिए जबरदस्त तालियां और बैठे हैं। आज का प्रोग्राम आप सबका प्रोग्राम है, दिल खोल के आनंद ले। और कुछ ही देर में ये जो आप सामने चक्री देख रहे हैं, ये चक्री आप लोग की किस्मत की तकदीर खोलेगी। ये कोई छोटी मोटी चक्री नहीं है, श्री श्री सर्वजननी दुर्गा पूजा कमेटी की तरफ से ये जो व्यवस्था है लॉटरी की, ये जो व्यवस्था है लकी ड्रॉ की, ये पूरे उड़ीसा में मात्र पहली व्यवस्था है जो पूरा ट्रांसपेरेंट आपके सामने हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी लकी विजेता चुना जाएगा। कौन होगा घर का मालिक और कौन होगा जेसीबी का मालिक, किसको मिलेगा क्रेटा, किसको मिलेगा बाइक और कौन घूमेगा कल से अपने गांव में बुलेट लेके, इसका फैसला आज होगा। और उसी के पक्ष में फैसला होगा जो सबसे ज्यादा इस प्रोग्राम में एंजॉय करेगा और जो उदास होकर लटका रहेगा। कहते हैं जिसके चेहरे पे उदासी सिंगार करती है उस पे मक्खी भी बैठने से इंकार करती है। तो जो उदास बैठा रहेगा वो खाली हाथ ही जाएगा यहाँ से। थोड़ा सा जोरदार ताली हो जाए, आज से इतना एक्साइटमेंट बनाए रखेंगे तो झोली आपकी भरेगी। बोल माँ दुर्गा की, बोल माँ दुर्गा की, श्री श्री सर्वजन दुर्गा पूजा कमेटी की।
और जो दर्शक अभी आए हैं मैं उनको बता दूं कि आज के इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप हिंदुस्तान में कहीं भी लोगों को बोल सकते हैं, वो देख पाएंगे आज का इस प्रोग्राम, क्योंकि ये प्रोग्राम को लाइव टेलीकास्ट किया जाए। क्रिकेट मैच लाइव देखते हैं उसी तरीके से इस प्रोग्राम का लाइव टेलीकास्ट हो रहा है यूट्यूब चैनल पे महक टीवी, MAHAK महक टीवी यूट्यूब चैनल पे। आप किसी को भी बोल सकते हैं आज प्रोग्राम लाइव देख सकते हैं वहां पे बैठ के, और वो देख सकते हैं कौन सा नंबर किसका निकला है और किसका इनाम निकला है, वो वहां पे पूरा प्रोग्राम लाइव देखेंगे। जब तक यहाँ स्टेज पे प्रोग्राम चलेगा तब तक यूट्यूब में लाइव चलेगा। तो आप सभी को इन्फॉर्म कर दें, व्हाट्सएप कर दें, मैसेज कर दें, यूट्यूब में महक टीवी MAHAK टीवी महक टीवी पे सब्सक्राइब करें और पूरा प्रोग्राम आप लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं। और हर वर्ष की तरह एक से एक कलाकार मंच पर आते रहे हैं कोरमुंडा के मंच पे, और आज भी बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिशियन आपके बीच में पहुंच चुके हैं जो बहुत ही प्यारी सी धुन में आज की शाम को यादगार बनाएंगे। सभी म्यूजिशियन का मैं तहे दिल मैं फिर से बता दूं, ये सोफे की व्यवस्था जो है सिर्फ और सिर्फ गेस्ट के लिए है, तो जिनके पास में गेस्ट पास है रिक्वेस्ट है वही वहां पे बैठेंगे, जिनके पास नहीं है कृपया वो पीछे के चेयर पे जाके बैठ जाएं, क्योंकि कुछ व्यवस्था कमेटी की तरफ से बनानी पड़ती है। जो लोग इस प्रोग्राम में आज इतने बड़े आयोजन में सहयोग किए हैं उनके लिए बैठने की व्यवस्था रखनी बहुत जरूरी है ताकि इस प्रोग्राम को आगे से आगे हर वर्ष की तरह अगले वर्ष भी सफलतापूर्वक इस प्रोग्राम को किया जाए, इसलिए हर तरह की व्यवस्था में बनाए रखनी पड़ती है। तो हमारा साथ दे व्यवस्था बनाने में, और जिनके पास में गेस्ट पास है वही आगे की बैरिकेड में बैठेंगे, जिनके पास नहीं है कृपया वो सीट छोड़ दें वहां से।